जय श्री कृष्ण। न्यूज फोर काठियावाड़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर नाउजा मुंबई से, वो एस्ट्रोलॉजर कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है और इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स विंग प्रेसिडेंट और रमन शास्त्र के ऊपर से 15 दिन का हम दिखाने जा रहे हैं भविष्य रमन शास्त्र पर से मेष से मीन राशि का। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेष राशि। तो मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मेष राशि के लिए 15वां भाव आ रहा है, तो 3, 7, 11 भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो तीसरा भाव दिखा रहा है कि आप कहीं पे छोटी सी मुसाफर ट्रैवलिंग होने वाली है, जैसे नेबर्स के साथ है या मित्रों के साथ होना, और कहीं पे बहुत ही अच्छा आपको दिखा रहा है। 7 नंबर है कि युवक युवतियों की कहीं पे शादी का योग आ रहा है। व्यापार बिजनेस धंधा में भी आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे तो आपको वो बेनिफिट होगा। और 11 नंबर कहीं से मनी का सक्सेसफुल होना है, तो मनी आने वाले हैं और आपके बिजनेस में भी सक्सेसफुलता मिलेगी। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज, येलो, ग्रीन कलर। और आप खास ध्यान रखें, आपको कहीं पे थोड़ी सा बहुत सारी रुकावट आ रही है तो आपको क्या करना है, घास को हरा घास खिलाना है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए 11वां नंबर का भाव आ रहा है, तो कहीं से मनी का सोर्स बढ़ रहा है, सक्सेसफुल हो रही है। मनी आपको आपके संतान द्वारा या तो मित्रों द्वारा या तो कहीं बहू या तो दामाद की ओर से मिल रहा है, तो आप उसमें आगे बढ़िए बिजनेस के उसमें। और युवक युवतियों के शादी के भी योग आ रहे हैं। संतान की कहीं पे आपको लग रहा है कि टेंशन हो रही, तो वो टेंशन कम कर दीजिए। अभी आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, कहीं पे संतान प्राप्ति भी हो रही है। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर, 2 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका वाइट, और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और यहाँ पे आप थोड़ी सी छोटी रेमेडी देने जाऊँगी, तो चंद्र को रात को आप दर्शन कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाले, रुकावट आ रही वो चली जाएगी। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए 9 नंबर का भाव आ रहा है। 9 नंबर का भाव, कहीं पे आपकी धर्म की यात्रा बड़ी मुसाफरी ट्रैवलिंग होने वाली है, कहीं पे आपके संतान योग की प्राप्ति पे होने वाली है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, छोटी सी मुसाफरी भी हो सकती है या तो नेबर्स या तो मित्रों के साथ भी हो सकती है, और कहीं पे आप कहीं कुछ नया सोच रहे हो तो वो सच उसमें सक्सेसफुल मिलेगी आपको। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। तो मंगल से कनेक्टेड हो रहा है, तो साउथ ईस्ट में या तो साउथ दिशा में आप एक रात घी का दिया या तो तेल घी का दिया जलाइए, उसे रात को शाम के टाइम पे, तो आपकी जहाँ पे रुकावट आ रही तो वो चली जाएगी। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए 12वां नंबर का भाव दिखा रहा है। तो 12वां नंबर का भाव है व्यय के स्थान दिखा रहा है, कहीं पे आपका व्यय होने वाला है, या तो आप फॉरेन जाने की सोच रहे तो फॉरेन में आप सक्सेसफुल होंगे। और लकी नंबर है आपका 12 नंबर, और हॉस्पिटल के खर्चे या तो कहीं पे कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, तो ध्यान रखें लकी नंबर रहेगा आपका 12 नंबर, 12 नंबर 3 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका रेड, येलो, ऑरेंज कलर, वाइट कलर। और इसके लिए आप खास ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। तो 12 नंबर दिखा रहा है, तो आपको खाली वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में गुरु का स्थान है, तो 5 जन को पाव वड़ा या तो येलो चीज की कोई मिठाई खिलाए, तो उसका आपके जो भी प्रॉब्लम होने वाला है, व्यय होने वाला है, तो वो कट हो जाएगा। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए ये 1ला भाव दिखा रहा है, खुद की हेल्थ के बारे में आप सोचें और ध्यान रखें। कहीं पर आप बहुत सारा टेंशन ले रहे हो, तो कहीं पे कोई रोग नया उत्पन्न हो जाए तो ध्यान रखें, और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, तो आप बिजनेस भी बड़ी सक्सेसफुल मिलेगी, आप टेंशन ना लीजिए। और लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, लकी कलर रहेगा येलो और रेड कलर। नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप मिठाई भगवान को आपके मंदिर में टेंपल में धराइए माँ भगवान को, तो उससे काफ़ी आपकी परेशानी दूर चली जाएगी। और पॉकेट के अंदर येलो कलर का एक छोटा सा नैपकिन रखें, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। लकी नंबर है आपका 1 और कलर रहेगा येलो। अभी आ रही है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 13वां भाव दिखा रहा है, तो 13वां भाव 1, 5, 9 भाव से कनेक्टेड है। खुद के हेल्थ के बारे में आपको सोचना है, और कहीं पे आप अपने बारे में भी सोचें कि मुझे आगे जाके क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर्स में कैसे सक्सेसफुल मिले। और 5 नंबर का भाव दिखा रहा है, तो पूर्व पुण्य शेयर मार्केट से कनेक्टेड हो रहा है। और कहीं पे आप सोच रहे हैं कि मेरे संतान की टेंशन हो रही है। और 9वां भाव दिख रहा है कि फॉरेन जाने के आपको योग आ रहे हैं, धर्म की यात्रा करने की सोच रहे हो। और लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर और 4 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका येलो और ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर।
और ब्लैक और ब्लू कलर पर्पलिश भी दिखा रहा है। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि के लिए ये भी कैसा है, चार नंबर का भाव दिखा रहा है। तो चार नंबर का भाव कनेक्टेड हो रहा है पिता के साथ कनेक्टेड हो रहा है, पिता की टेंशन हो रही है और कहीं पे नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो और कहीं पे कार लेने के बारे में भी सोचे। आपकी ड्रीम बहुत सारी है तो ये बार आपकी ड्रीम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आपको क्या करना है, गाय को हरा घास खिलाइए, उससे आपकी काफ़ी जो नेगेटिव थॉट्स है वो चली जाएगी और आपकी जो ड्रीम है वो आपको उसमें सक्सेसफुल मिल जाएगी। लकी कलर रहेगा आपका ब्लू कलर, डार्क पर्पल कलर और लाइट ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो। ब्लैक कलर यूज़ करना है तो मॉर्निंग में कीजिए और आफ्टर 7 PM के बाद नहीं किए तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के लिए ये भी कैसा है, 14वां भाव दिखा रहा है। तो 14वां भाव कनेक्टेड टू आपका 2, 6, 10 से कनेक्टेड हो रहा है। फैमिली के बारे में आप सोच रहे हो, कहीं पर किसी को रोग शत्रु आपके बढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना है, कोर्ट कचहरी के मामले ना हो। और 10वां भाव आप बिजनेस के बारे में सोचे तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए तो उसमें नुकसानी आपको ना हो वो ध्यान रखें। और लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज येलो कलर और ग्रीन कलर और लाइट पर्पल कलर और ब्लू कलर। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि के लिए 3 नंबर का भाव दिखा रहा है। तो 3 नंबर का भाव आपको कनेक्टेड हो रहा है कि कहीं पे आप छोटी यात्रा करने वाले हो, ट्रैवलिंग होने वाली है पड़ोसियों के साथ या तो मित्रों के द्वारा छोटे भाई बहनों के साथ, तो इसमें आप सक्सेसफुल होंगे। और कहीं पे आप फॉरेन जाने की भी सोच रहे तो उसमें भी आपको सक्सेसफुल मिल जाएगी। लकी नंबर आपका 3 नंबर है और ये कलर रहेगा आपका येल्लो और ऑरेंज कलर। और नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप एक पीला कलर का कपड़ा छोटा सा रख दीजिए तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और भगवान को मिठाई में भोग लगाना है तो भोग में पीले कलर की भोग लगाइए तो उससे काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग होगी और बहुत ही आपको बेनिफिट होगी, जहाँ पे रुकावट आएगी वो दूर चली जाएगी। लकी कलर नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, लकी कलर येलो कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि के लिए 5वां भाव दिखा रहा है। 5वां भाव संतान से कनेक्टेड हो रहा है, आप संतान के बारे में काफ़ी टेंशन हो रही है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट से तो कहीं पे सक्सेसफुल हो रही है। बच्चों के लिए कौन सा आगे जाके फ्यूचर उसका कैसा है तो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, पूर्व पुण्य के कर्म के अनुसार उसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी होने वाले हैं। और आगे सोच के आपको लगता है कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, तो संतान को पूछ के आप आगे बढ़े तो आपको काफ़ी सक्सेसफुल मिलेगी। और लकी कलर रहेगा आपका वाइट कलर और लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। आप गाय को हरा घास खिलाइए तो उससे काफ़ी आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही, रुकावट आ रही तो वो दूर चली जाएगी। अभी आ रही है कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए 8वां भाव दिखा रहा है। कहीं पे आपको माल मिलकत वैन वारसत मिलने की सक्सेसफुल मिल रही है। और थोड़ा पैर के दर्द होने की शक्यता है तो पैर में थोड़ा संभाले, काफ़ी सोच समझ के आप चले और वॉक करें, गाड़ी संभाल के चलाइए, उससे आपको काफ़ी सक्सेसफुल मिलेगी। और आपका ध्यान रखें और कहीं पे आपको फैमिली के बारे में आप सोच रहे हो तो फैमिली के बारे में भी अच्छा ही है और फैमिली आपको हेल्प करेगी। और कहीं पे आप लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। और आप जल को पृथ्वी तत्व को कभी भी बाहर निकले घर से बाहर तो पृथ्वी को छूके उसके दर्शन करके फिर निकले और फिर आगे बढ़े तो आपकी जहाँ पे रुकावट आ रही तो वो दूर चली जाएगी। और वेस्ट दिशा में आपके घर के अंदर 1 कपूर और 1 लौंग करके मिट्टी के दिए में इसे जलाए तो वेस्ट दिशा में शाम को तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, जहाँ पे रुकावट आ रही वो दूर चली जाएगी। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि के लिए ये भी कैसा है, 6ठा भाव दिखा रहा है। तो आपकी हेल्थ के बारे में आप थोड़ा सोचिए कि क्या करना है, कोर्ट कचहरी मामले में नौकर चाकर शत्रु यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है तो ध्यान रखें, कहीं पे व्यय नहीं हो रहा है तो वो देखे। और लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका वाइट कलर। वाइट कलर पहनने से फ्राइडे को आपकी काफ़ी जो भी प्रॉब्लम आ रही वो सॉल्व हो जाएगी, हो सके तो भगवान को लक्ष्मी नारायण देव को आप खीर तरह का भोग लगाइए तो उससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा।
और छोटे बच्चे को आप खीर खिलाइए और नौ माता जी की गोने कीजिए, तो उससे भी आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो रुकावट चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, व्हाइट कलर आपका लकी कलर रहेगा। और ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामना न्यूज़ फॉर काठियावाड़ चैनल की ओर से। मैं हूँ डॉक्टर हिना होगा।